यहाँ हम सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS में इसका मान रखते हैं एम स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर को हम लेते हैं कोस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर बी और पूरे के गुणा में हम लेते हैं कोस स्क्वायर बी। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं कोस स्क्वायर बी गुणा साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ से अपना आएगा कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए और पूरे के गुणा में अपना कोस स्क्वायर बी। तो कोस स्क्वायर बी को तो हम यहीं से काट सकते हैं, इसको हमने यहाँ से काट लिया। तो हमारे पास नीचे बचा साइन स्क्वायर बी और ऊपर हम देखते हैं कोस स्क्वायर ए वो वैनिश्ड है। तो कोस स्क्वायर ए को हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ अपना आता है साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। तो अपने जो सर्वसम्मिका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा क्या होता है, वन होता है। तो इसका मान एक आएगा, अपना कोस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर बी और ये जो अपना मान होता है वो है अपना कोस ए बटा साइन बी का वर्ग हो गया, अर्थात इसका मान हो गया एन स्क्वायर और यही हमको आरएचएस में चाहिए था। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर गुणा में कोस स्क्वायर बी का मान आता है एन स्क्वायर, जो कि हमने सिद्ध कर दिया।